हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी लोगों का रेस्ट डे होगा, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अच्छा रेस्ट लीजिए। आज कुछ है हमारे काम जो लाइंड अप हैं, दैट्स वाई वी आर रेडी, वी हैव टू गो आउटसाइड। बता सकते हैं, बाद में बताते हैं। चलिए, वो काम हो जाए तो आपको बताते हैं, इसी ब्लॉग में बता देंगे। अगर वो काम बनता है, नहीं बनता तो फिर आपके लिए कुछ रेलिवेंट चीज़ नहीं होगी। और थोड़ा सा बाबू कह रहा हूँ, वो भी बातें, चलो वो भी बताते हैं। ये दो चीज़ें हैं, ये बाहर से करके आते हैं, ये हो जाएंगी तो दोनों आपको अपडेट देंगे, बिकॉज यू आर अ फैमिली फॉर अस, तो सब बताएंगे, पर ये हो जाए पहले। चलिए जल्दी मिलते हैं, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर से
हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो वी आर बैक। और आज का पूरा दिन थोड़ा बिजी था, इसलिए आपसे बीच में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए। कुछ काम थे वो कंप्लीट करे, फिर आके खाना खाया, सो गए और आके फिर उठ के फिर और काम किया। अभी इट्स नाइट टाइम, डिनर हो चुका है, बस अब ब्लॉग को एंड करेंगे और आपको भेजेंगे जल्दी। हमें आपको मॉर्निंग में कुछ बोला था हमने आपको कि अगर वो काम होते हैं तो वो बताएंगे। दो काम थे तो वो दोनों काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट स्टिल नाउ वी हैव द फ्रीडम टू डिसाइड कि वो करना है या नहीं। सो स्नेहा, बता सकते हैं हम पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पर्ल की लाइफ में और हमारी लाइफ में भी, पर्ल की एक नई लाइफ शुरू होने जा रही है एंड यू ऑलरेडी नो शी इज़ ऑलमोस्ट 2.5, 2.6, तो हमें आगे का भी पर्ल का फ्यूचर सोचना है। सो गाइस, पर्ल के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हम लेने जा रहे हैं, तो वो ये है कि पर्ल के लिए हम स्कूल सर्च कर रहे थे काफ़ी टाइम से और एक स्कूल हमें पसंद आया है। अब वो कब एडमिशन कराना है और जाना है वो अभी हम सोचेंगे, बट हाँ आपको ये शेयर करना था हमें कि पर्ल शायद जल्दी ही स्कूल जा सकती है। सो शी इज़ वेरी स्मॉल राइट नाउ, तो प्ले स्कूल में जाएगी, अभी एकदम से बड़े स्कूल में नहीं जाएगी। शी विल बी गोइंग टू मोंटेसरी विच इज़ क्लोज टू आवर हाउस। देखते हैं, अभी स्कूल चेंज भी हो सकता है, बट हाँ ये प्लानिंग है। तो ये तो हो गया पहला अपडेट जो पर्ल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में भी। यहाँ से उसका एक नया चैप्टर, कैरेक्टर बिल्डिंग और एक पर्सनैलिटी, एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सो वी आर हैप्पी, इमोशनल है, बट क्या करें, बच्चे के लिए करना पड़ता है और बच्चे को भी यहाँ से माँ बाप का थोड़ा सा सपोर्ट छोड़कर अपना खुद का कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। तो उसके लिए आई थिंक पर्ल इज गुड इनफ। और सेकेंड वाला आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, वो आपको दिख ही रहा होगा। पर्ल के फेस पे थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। यस, बिकॉज पर्ल का हेयर कट हो गया है, तो हमने तो गाइस कमेंट करके बताना पर्ल कैसी लग रही है। काफी टाइम से एक्चुअली बात क्या है कि स्नेहा के कर्ली हेयर है, तो पर्ल के पूरे कर्ली हेयर हैं, शी इज़ ऑन अ मॉम, तो काफ़ी वो घूम के ना ये आँख तक आ रहे थे और बड़े हो गए थे, मतलब अब काफ़ी टाइम से हम चाह नहीं रहते। हमें अच्छी लगती है वो लंबे बाल में, बट बच्चा परेशान हो रहा था तो वी कैन नॉट सी दैट, तो हमने उसकी टू स्मॉल अभी मैनेज करने के लिए, बहुत छोटी भी है और कर्ली है ऊपर से, तो और ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत रहता है क्योंकि जब भी हम कोम करते थे तो उसके बाल में ना फंसती थी कोम, तो करवाना पड़ा। अब शी इज़ आई थिंक वेरी फ्री और उसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हर जगह से हवा जा रही है ना अंदर सर में, तो उसको बहुत लाइट फील हो रहा है। तो वी आर हैप्पी। ये दो चीज़ें थी जो हमें अभी आपको बतानी थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आज हमारा सैटरडे बुक था इन्हीं चीज़ों के लिए, और भी सारी चीज़ें थी बट हाँ वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वी होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, एक छोटा सा कॉमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आज पर्ल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट वी कैन मेक मोर वीडियोज जस्ट फॉर यू। तो मिलेंगे कल आपसे नई वीडियो में। कल संडे है, कुछ कुछ चर्च का ग्लिम्स कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड नाइट एंड स्पेशल बाय फ्रॉम स्नेहा एंड पर्ल्स, स्पेशल बाय फ्रॉम स्नेहा। ये बाय गाइस।